परमात्मा की, परमात्मा की प्रकृति की सही सही समझ होना। आत्मा परमात्मा और प्रकृति के सही सही प्रयोजन की समझ होना, और फिर जीवन की ठीक समझ के साथ, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, राइट थॉट प्रोसेस के साथ, राइट इमोशंस के साथ, राइट एक्शन, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन की अनंतता को, जीवन की असीमता को, जीवन की विराटता को जानना, स्वयं को समझना और स्वयं को पूर्ण विकसित करना। तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। अपने मूल व्यक्तित्व की, अपने मूल चेतना की अपने मूल स्वरूप की समझ, बोध, ये योग। कपालभाति एक प्रार्थना के साथ करा देते। साधक हूं साधनरत भैया, परमेश्वर पार करे नैया। ये साधना का पथ कैसा है, इसको इस प्रार्थना में पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज जी ने गाया है। कपाल भाति करते करते हम साधना के मूल जो साधन है उनको समझते हुए जीवन में पूरे योगी बने। निरोगी तो बनेंगे ही बनेंगे, योग निरोगी बनाता है, ये तो उसका प्रथम चरण है। हम योगी बनके निरोगी तो बनते ही हैं, स्वयं के लिए और समष्टि के लिए उपयोगी बनते हैं, अपने पूरे व्यक्तित्व को जगाते हैं। एक एक व्यक्ति में परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य विद्या विभूति दिव्यता प्रदान की हुई है। इस दिव्यता की प्राप्ति ये योग का लक्ष्य है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं सभी प्रकार के रोग और विकारों की, भीतर की सभी प्रकार की दीनता दुर्बलता की, सब प्रकार की पराधीनताओं की परिसमाप्ति और दिव्य ज्ञान की, दिव्य संवेदनाओं की, दिव्य शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य की, जीवन की सभी दिव्यताओं की प्राप्ति के साधन को योग कहते हैं। और जब सभी अशुभ की समाप्ति हो गई, सभी प्रकार के दुर्गुण दोष दुर्बलताओं की समाप्ति हो गई और दिव्यता की प्राप्ति हो गई, तो ऐसे दिव्य जीवन जीने वाली जो योगी आत्माएं हैं उनसे ही संसार का उपकार होगा, इसी से संसार का भला होगा। यही संसार के कल्याण का एकमात्र मार्ग है, ये योग का मार्ग है।